Bayes algorithm. This is another category of very interesting conceptual algorithms. They are being inspired by उन पैचेस को विज़िट करते हैं जहाँ पे नेक्टर की क्वालिटी ज़्यादा होती है और उनकी क्वांटिटी भी जहाँ पे ज़्यादा होती है, मींस के जहाँ पे एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों बरकरार रख सके। सो स्काउट बीज आमतौर पे हमने देखा है कि जब भी हम किसी गार्डन में जाते हैं, किसी फ्लावरिंग एरिया में जाते हैं, तो हमने देखा है कि वहाँ पर मुख्तलिफ टाइप के members of the honey bees are wandering randomly here and there on different types of flowers. So what they are basically doing, they are basically sampling from these flowers and then they go back to their hive and then they report to their colony that what we have done and these samples we have in hand, and then the colony is basically evaluating these samples on the basis of different criteria, and then they send other members to collect if that patch is a good patch. So then they send more bees to that patch to collect nectars. So the bees basically after sampling they return to their hive and then they report to the colony that what we have in hand, what type of sample we have collected, and then depending upon certain qualities the colony is basically evaluating that samples collected by the scouts. Or usme se, for example, different criteria threshold ho sakte hai ki usme sugar contents kitna hai ya usme कोई कंटामिनेशंस वगैरह या इम्प्योरिटीज़ उसमें मौजूद है कि नहीं है, या उसका डिस्टेंस वो मॉनिटर करते हैं कि वो कितना दूर था. तो सो उन डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स के बेस पे इवैल्यूएशन हो जाती है और उस इवैल्यूएशन में डिसाइड किया जाता है कि
वहाँ पे फर्दर बीज बेचने हैं कि नहीं बेचने। जब वो हनी बीज जो है, जब आप अपना नेक्टर डिपॉजिट करते हैं, तो अब डिपॉजिट करने के बाद स्काउट बीज जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया में आते हैं, और इस स्पेसिफिक एरिया को जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, दैट टर्मिनोलॉजी इज़ कॉल्ड अ डांसिंग फ्लोर। वहाँ पे वो डांसिंग फ्लोर पे सारे इकट्ठे होते हैं, और वहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म होती है जिसको कहते हैं वेगल डांस बाय द हनी बीज। सो ऑल द स्काउट्स आफ्टर आफ्टर डिपॉजिटिंग देयर नेक्टर, क्योंकि हर एक बी ने मुख्तलिफ जगहों से नेक्टर इकट्ठा किया होता है, वो वहाँ पे रिपोर्ट करते हैं, सैंपल डिपॉजिट करते हैं, और फिर एक स्पेसिफिक जगह पर आते हैं जिसको डांस फ्लोर कहते हैं, और वहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म होती है वेगल डांस। और उस एक्टिविटी के थ्रू ये सारी चीज़ें मॉनिटर एंड इवैल्यूएट होती है कि किस पेज को सेलेक्ट किया जाए और किस पेज को सेलेक्ट ना किया जाए, एंड टू सेंड मोर बीज टू विच पेज ऑफ द फ्लावर्स। नाउ बीज जो है वो, उनकी कम्युनिकेशन जो है बेसिकली वो इसी एक्टिविटी के दौरान होती है, कि वो इस एक्टिविटी के थ्रू, जिसको हम वेगल डांस की टर्मिनोलॉजी यूज होती है, इस वेगल डांस में वो अपने सारे कम्युनिकेशंस करते हैं। जो उन्हें सैम्पलिंग एक्सपीरियंस उनका होता है, वो इस वेगल डांस के दौरान अपने सारे एक्सपीरियंस एंड कम्युनिकेशन शेयर करते हैं, जिसमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो इन्फॉर्मेशन उसमें शेयर होती है इस डांस के दौरान, दिस इन्फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ दैट पैच, कि वो पेज किस डायरेक्शन में है। मीन्स दे आर बेसिकली आल्सो मॉनिटरिंग द एंगल इन बिटवीन द हाइव एंड द सन का, वो जो एंगल वो मॉनिटर करते हैं, वो मेमोराइज करते हैं, और उस एंगल से वो डायरेक्शन ऑफ दैट पेज को वो फिर मेमोराइज करते हैं कि वो किस डायरेक्शन में है, और एग्जैक्टली जब वो दूसरे राउंड में जाएंगे उस पेज को फॉलो करने के लिए, तो उसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाते हैं, वो डायरेक्शन में बिल्कुल भी गलती नहीं करते, बिकॉज दे आर मेमोराइजिंग द एंगल इन बिटवीन द सन एंड द हाइव। एक और जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर करते हैं, दैट इन्फॉर्मेशन इज़ द डिस्टेंस ऑफ दैट पैच फ्रॉम द हाइव, और क्योंकि वो कितना दूर है, क्योंकि एफिशिएंसी जो है विजिट की वो भी मॉनिटर करनी होती है, कि वो हर एक विजिट जो है वो एफिशिएंट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एज वेल, कि उसके ऊपर एनर्जी कितनी यूटिलाइज हो रही है। अगर उसके मुकाबले में कोई दूसरा बेस्ट पैच नज़दीक अवेलेबल होगा, तो दे विल अवॉइड टू विजिट लॉन्ग डिस्टेंस पैचेज। सो दैट्स वाई डिस्टेंस भी मॉनिटर किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन उसके शेयर की जाएगी, एंड द क्वालिटी रेटिंग के हर एक पेज की क्वालिटी रेटिंग भी मॉनिटर की जाएगी, इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी कि हर एक सैम्पल जहाँ से आया हुआ है उस पेज की क्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ शुगर कॉन्टेंट्स एंड इम्प्योरिटीज़ को भी मॉनिटर किया जाता है। नाउ दीज ऑल दीज इन्फॉर्मेशन बेसिकली हेल्प्स द कॉलोनी टू सेंड अदर बीज, जिसको फॉलोअर बीज कहते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन उन फॉलोअर बीज के लिए यूज़ होते हैं, कि हाउ दे विल रीच दैट स्पेसिफिक पैच विच वॉज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थ्रेश होल्ड्स। और जो पैच जितना ज़्यादा एफिशेंट होगा, जो जितना ज़्यादा फिट होगा, उसकी तरफ ज़्यादा बीज भेजे जाएंगे। फिर नेक्स्ट राउंड में दोबारा जब बीज वापस आएंगे, फॉलोअर बीज उन उन डांसर बीज के पीछे जो तो इनिशियली गए थे, फिर उन्होंने ट्रैक फॉलो किया, और जब वो वापस आते हैं, तो अगेन दे एडवर्टाइज इन द कॉलोनी दैट दिस इज़ आवर कलेक्शन, एंड देन दे डिपॉजिट, एंड अगेन इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, और फिर डिसाइड होता है कि फर्दर बीज भेजने हैं कि नहीं भेजने। अगर कोई पेज जो है वो स्टिल एफिशिएंट है, और वहाँ पे इनफ वेक्टर नेक्टर मौजूद है, तो फर्दर बीज भेजे जाते हैं। अदरवाइज़ जो उनके विजिट्स है वो अबेंडन किए जाते हैं, और वहाँ पे फर्दर बीज नहीं भेजे जाते। नाउ दिस इज़ द फिलॉसफी ऑफ द बीज टू कलेक्ट नेक्टर एंड टू कम बैक टू देयर हाइव्स एंड टू प्रपोज द बेस्ट सोल्यूशन अबाउट द पैचेज एंड कलेक्शन ऑफ नेक्टर्स। नाउ दिस सेम फिलासफी विल बी यूज इन ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीज एल्गोरिदम। ये जो फिलासफी है कि जो उन्होंने प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रपोज किया, द सेम फिलासफी इज़ बीन फॉलोड बाई द बीज एल्गोरिदम।